रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शादी के बाद सोनम कपूर ने पहनी ऐसी ड्रेस, लोगों ने कह दिया भिखारी। आप भी देखें, सोनम कपूर को बॉलीवुड इंडस्ट्री की फैशन आइकॉन कहा जाता है। लोग उनकी कॉपी करने लग जाते हैं जब वह किसी ड्रेस को पहन लेती हैं। शायद इसीलिए इस बार उन्होंने कान फेस्टिवल में भी अपना खूब जलवा बिखेरा। वहाँ पर इनकी लुक की काफी ज्यादा तारीफ हुई। कान फेस्टिवल में सोनम कपूर एक ऐसी पहली अभिनेत्री हैं जिनके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। वैसे सोनम कपूर इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं क्योंकि उनकी वीरे दी वेडिंग फिल्म रिलीज होने वाली है और यह फिल्म उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि सोनम कपूर को उम्मीद है कि इस फिल्म से उनके करियर को एक ब्रेक तो मिलेगा और उनका करियर ढलान पर आ जाएगा। सोनम कपूर के ड्रेस की हर जगह तारीफ होती है, लेकिन वीरे दी वेडिंग फिल्म का प्रमोशन करते वक्त उन्होंने एक ऐसी ड्रेस पहन ली कि वह ट्रोल होगी। दरअसल सोनम कपूर ने फटी हुई एक डेनिम की साड़ी पहन ली, जिसके बाद लोगों को उन्होंने एक ऐसा मौका दे दिया जिससे वे उन्हें भला बुरा कह सकें। सोनम कपूर को लोगों ने बहुत सारी बातें कह डाली। कुछ लोगों ने कहा कि यह ड्रेस कैसी है, इसमें तो सोनम कपूर बिल्कुल भिखारी जैसी लग रही हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने तो यह तक कह डाला कि शादी के बाद सोनम कपूर के ड्रेसिंग सेंस में बड़ा बदलाव आया है, जिसका नजारा यह है।